पीरियड चल रहा है, आप इसका पॉजिटिव साइड देखिए, गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू योर स्टडीज, टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण हूँ और इस लॉकडाउन पीरियड में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप घर पे रहें, सेफ रहें, जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्टडीज पे फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स इस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद कंडक्ट किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो आपको भी यूटिलाइज करना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुबह एक्सरसाइज करिए, शाम तक आराम करिए, ज्यादा टीवी मत देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और हेल्दी रहिए, ठीक है? थैंक यू। आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहूंगा मैं यहाँ पर। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो कोरोना वायरस की इस जंग में हम लोगों को ठान लेना है कि हम लोग घर पर ही रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे, तभी इस जंग में हमारी जीत होगी, ठीक है? तो स्टे होम, स्टे सेफ और घर पर ही रहकर आप लोग पढ़ाई करिए, कहीं भी आपको बाहर जाने की नीड नहीं है। थैंक यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे पूरे कंट्री में लॉकडाउन है, ठीक है? तो ये हमारा सेकेंड वीक कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट और थर्ड वीक चालू हो चुका है। तो ये जो आपका लॉकडाउन है ये 14th अप्रैल के बाद भी एजुकेशन सिस्टम के लिए तो लॉकडाउन रहने ही वाला है, क्योंकि कॉलेजेस तो बंद रहेंगे ही। तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो हमारे गेट अकेडमी के चैनल पर डेली नेटवर्क और डिजिटल के लाइव सेशंस हो रहे हैं, तो वहाँ से आप अपना बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक पर अभी फोकस करिए, जितना ज़्यादा हो सके बेसिक को ब्रशअप करिए, ठीक है? गो करो ना, स्टडी करो ना, ऑल द बेस्ट। हाय दोस्तों, हालांकि अभी चारों तरफ लॉकडाउन है लेकिन आपको छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। शेक्सपियर ने अपनी जिंदगी को कुछ बेस्ट किताबें जैसे वो किंग लियर, मैकबेथ एंड एंट्री और इसके अलावा क्लियोपेट्रा जैसी किताबें तब लिखी जब सब कुछ लॉकडाउन था, जब क्वारंटाइन थे, जब चारों तरफ प्लेग फैला हुआ था। स्टार्ट विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन को आप कुछ एक अलग ही तरीके से यूज करेंगे और बेहतरीन मेहनत करेंगे और यहाँ से अपना करियर ग्राफ ऊपर और ऊपर ही लेके जाएंगे। बेस्ट विशेस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जैसे आप लोग सब लोग घर पे होंगे अभी COVID-19 की वजह से, तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी आप लोग बढ़िया से पढ़ाई वगैरह करते रहिएगा। लाइव सेशन चल रहे हैं अपने पास, ठीक है? नेटवर्क का चल रहा है, पावर सिस्टम का चल रहा है, डिजिटल का चल रहा है, सिग्नल के भी प्रीमियर होते रहते हैं, तो उन सबसे आप कनेक्टेड रहिए और मस्त से एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके एवरीवन, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ये जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, अभी घर पर होंगे और वो जो गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ESE या फिर PSU एग्जाम की, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाह रहे होंगे, तो डेफिनेटली गेट एकेडमी भी आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ VOD, लाइव लेक्चर्स और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। तो आप इसका एडवांटेज लीजिए, अपनी स्टडी को इस लॉकडाउन के पीरियड में कंटिन्यू रखिए। हाय गाइस, आई होप यू आर ऑल सेफ आउट देयर एंड टेकिंग ऑल द रिकमेंडेड प्रिकॉशंस। COVID-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। लॉकडाउन पे घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। केमिकल इंजीनियरिंग में कोई भी कंटेंट या बुक्स की नीड हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, होप सारे के सारे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, घर पे रहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, अभी पढ़ाई कीजिए, जो पढ़ रहे हैं है ना, बहुत अच्छी बात है। ये पर्टिकुलर टाइम यूज कीजिए, ये बहुत जरूरी है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अब पढ़ना शुरू कीजिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन विद गेट एकेडमी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवनम सिद्दीकी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पूरा वर्ल्ड कोरोना जैसी हाईली इन्फेक्शियस एपिडेमिक से होके गुजर रहा है, इसलिए गेट एकेडमी की आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप लोग नेशनल लॉकडाउन को सीरियसली फॉलो करें, घर पर रहें एंड जमकर पढ़ाई करें। स्टे सेफ, स्टे फोकस्ड एंड यूटिलाइज योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अभी हम सभी टीचर्स आपको बिल्कुल वैसे ही मिस कर रहे हैं जैसे कोई पेंटर अपने कैनवास को मिस करता है, लेकिन एक दो चीज़ों पर आपसे इंटरेक्शन करके कुछ शेयर करना था, वो हो नहीं पाया। तो आपको एक मैसेज देना छोटा सा कि
क्योंकि देखिए जब पहले सभी चीज़ें नॉर्मल थी तब अगर आप स्टडीज़ में एक दो दिन का ब्रेक लेते थे तो वो फिर भी मैनेजेबल था, आप उसको कर सकते थे कोप अप। लेकिन अभी अगर आप देखें तो जो भी स्टूडेंट सिंसियर हैं, अगर आप अपनी स्टडी में 3 दिन का ब्रेक लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई पूरे परफेक्टली अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर पा रहा होगा तो वो फिर आप उससे कितना लैग कर जाएंगे। तो इसलिए अपनी स्टडीज़ में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आने देना। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग बीइंग एन इंजीनियर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि हम लोग इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हम लोगों को इंस्पायर करना चाहिए सेफ रहने के लिए, ताकि हम लोग जो भी इंडिया इतना ग्रो कर पाया है इतने सारे सालों में उसको वेस्ट ना जाने दें और बहुत अच्छे से इस COVID-19 से फाइट करें और हम लोग इससे जी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी कंट्री भी लॉकडाउन है, बट एज अ स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम को कैश करके आप लोग अपने गेट एग्जामिनेशन या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मी एज अ टीचर आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कीजिए और बहुत ही अच्छा गेट स्कोर कीजिए। थैंक यू विद्यार्थियों, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप हो जाते हैं, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लॉकडाउन की सिचुएशन पे हमको अपने थॉट कंडीशनिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई जो हम कर रहे हैं, काम जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक है, बट अपने थॉट्स के कंडीशनिंग के ऊपर आप फोकस करिएगा। ये मेरा आपके लिए मैसेज है। जो आपका जो समय है उस समय को बहुत ही सही से यूज करने के लिए दो चीजों पे आप फोकस करिएगा। मेरा मैसेज है दो चीजों के लिए। पहला, जो आप टास्क बना के रखे हुए हैं, जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा किस बेसिस पे, चूंकि मैक्सिमम जो चैनल है इंजीनियर्स का है तो किस बेसिस पे आपने इंजीनियरिंग को अडॉप्ट किया था वो आज सोचें। और दूसरा, आप जो सबसे इंपॉर्टेंट सोचिए वो ये कि अभी देखिए हेल्थ इशू जो बहुत ही बिग इशू है, तो हेल्थ इज वेल्थ। तो अपने शरीर के लिए आप सोचिए, अपने मन के लिए और अपने बुद्धि के लिए आप सोचिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है सभी से कि ये टाइम का जो है बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। जो कि नॉर्मल डेज में आप 3 डेज में पढ़ते थे, आप कोशिश कीजिए कि उतना आपका 1 सिंगल डे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, जो सबको करना है अपना काम कर रहे हैं। आपका काम ये है कि आप घर में सेफ रहिए। तो घर में आप हैं दिन भर, तो आप जितना भी इनपुट देना चाहें, अपना जितना हार्डवर्क करना चाहें, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। सो ये टाइम आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए, जस्ट गिव योर बेस्ट इन दिस टाइम। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर में अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि घर में आप रहो, बिना रीजन वाइज घर से बाहर मत निकलो और जितना हो सके उतना अपने स्टडी पे ध्यान दो, अपनी स्टडी करो। दिन में अगर 8 आवर्स 9 आवर्स भी अगर आप स्टडी करते हो तो बड़ा गुड रिजल्ट आएगा। तो ये वाला जो टाइम है, इस वाले टाइम को आपको अच्छे से मैनेज करना है, सब लोगों का केयर करना है घर में, लोगों की हेल्प करो, लोगों का साथ दो जितना हो सकता है घर में। और जब भी आपको टाइम मिलता है आप स्टडी करो, एंटरटेनमेंट के लिए जो आप बेसिक चीजें कर सकते हो वो सब करो, लेकिन मेरे को लगता है कि फैमिली का और अपना केयर करते हुए अपनी स्टडी पे बिलीव करो, अपनी स्टडी करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।